वहां पर सीट पे उनने वो पन्नी रख दी। बोलिए आप मैनेजर को, बोलिए अपने। अभी आ रहा होगा। जैसे मंगाया तो कुछ और था, दे कुछ और दे गए। ये देने के लिए इनके पास है ये पानी की बोतल। अरे आप लोगों को तो हमें और सपोर्ट करना चाहिए, अपनी काय में सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इल्लू भाई को हुआ क्या है इसकी जांच करनी पड़ेगी। बस अपना पैकअप पैकअप करके हमारी कंप्लेन धरी की धरी रह गई। ट्रेन नंबर 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग को मध्य प्रदेश के भोपाल से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 886 किलोमीटर कवर करती है 16 घंटे 5 मिनट के समय में। और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 55 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस अमरकंटक एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो आज की जर्नी होने वाली है हम सफर में। ना भाई, हम सफर नहीं, अमरकंटक एक्सप्रेस ही है। लेकिन अपना कोच है B7 जो कि हम सफर रेक का अपना कोच है, 3rd AC का। चलो चलते हैं अंदर। तो ये अभी अपने कोच का फर्स्ट लुक। साफ सफाई तो एकदम जबरदस्त है। अपने निर्धारित समय 6:25 में अपना डिपार्चर हो चुका है दुर्ग रेलवे स्टेशन से। तो अपनी अमरकंटक एक्सप्रेस निकल चुकी है दुर्ग रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस अमरकंटक एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली शाम को 6:25 पे निकलती है दुर्ग रेलवे स्टेशन से और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 10:30 पे पहुंचा देती है भोपाल जंक्शन। इस जर्नी के 36 किलोमीटर कवर करने के बाद आ चुके हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे बात करें अगर रायपुर की तो ये राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रायपुर में 100 ऑफ वैरायटीज ग्रो की जाती हैं चावल की। और साथ ही यहाँ पर आपको इंडिया का लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट स्टील मार्केट भी देखने को मिलेगा। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का होल्ट। वैसे आपको बता दें अपनी अमरकंटक एक्सप्रेस में पेंट्री कार का कोच नहीं लगा हुआ है, साइड पेंट्री है, पेंट्री का कोच नहीं है। तो खाना हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है इसी रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन के लिए। इस रेलवे स्टेशन में भीड़ पूरी जबरदस्त है, क्योंकि अभी तक पूरी खाली आई है ट्रेन। मेन जो क्राउड चढ़ता है वो रायपुर जंक्शन से ही चढ़ता है अपनी अमरकंटक एक्सप्रेस में। चलो अब आता है खाना तो रिसीव कर लेते हैं। अभी तो दिख नहीं रहा भाई खाने वाला कहाँ गया। तो भाई खाने वाले जो भैया है ना वो अंदर पहुंच गए, तो वहां पर सीट पे उनने वो पन्नी रख दी, वो रखा है अपना खाना। खाना आ गया, वो आ जाते हैं तो यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। वो अंदर पहले से ही पहुंचे हुए थे, हमने सोचा बाहर ही रिसीव कर लेंगे, लेकिन वो पहले ही से अंदर है। वाकई बगल में ये लगी हुई थी अभी समता एक्सप्रेस जो कि विशाखापट्टनम से निजामुद्दीन के लिए जा रही है, इसका भी डिपार्चर हो गया यहाँ से। तो ये अपना डिनर जो हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ था रायपुर जंक्शन से। वैसे मंगाया तो कुछ और था, दे कुछ और दे गए। ये एक थाली मंगाई थी बट ये वेज थाली दे गए। इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे। ये अपनी दाल फ्राई है, सैलेड है, यहाँ पर मिक्स वेज, पनीर की सब्जी है, एक चावल है, ये रोटियाँ हैं मीठे में, गुलाब जामुन, और एक ये देखो इसमें क्या क्या है भाई, काफ़ी कुछ है। कि ये ऐसी सीख है, कई लोगों को ऐसी सीख की ज़रूरत पड़ जाती है खाने के बाद, हमें तो ना पड़ती, लेकिन ठीक है देगा। ये टिश्यू पेपर है, माउथ फ्रेशनर, नमक, अचार, चम्मच और कांटा, मिक्स वाला चम्मच।
दाल तो भाई साहब एकदम जबरदस्त है, ऐसे किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में अपन खाना खाते हैं ना जाके, वैसी दाल होती है। बहुत दिनों बाद ट्रेन में इतनी बेहतरीन दाल खाई है, वाह कहीं मजा आ गया भाई, एक ही बार एक ही बाइट खाने में मजा आ गया। पनीर का टेस्ट भी सही है, बढ़िया है। देखते हैं उनकी मिक्स वेज। जबरदस्त भाई, एक थाली आनी थी, एक थाली जगह वेज थाली दे गए, कोई बात नहीं, लेकिन खाना एकदम जबरदस्त है, ये सही चीज़ है। सैलेड वैलड सारी चीज़ें हैं, मीठे में गुलाब जामुन भी है, बढ़िया। एक और चीज़, दाल हल्की सी गर्म है, ये सब्जी तो ठंडी है लेकिन दाल हल्की सी गर्म है तो बढ़िया लग रहा है, और रोटी ये भी एक गर्म है थोड़ी थोड़ी। इस जर्नी के 151 किलोमीटर कवर करने के बाद ये आ चुके हैं हम लोग उसलापुर रेलवे स्टेशन, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये रेलवे स्टेशन बिलासपुर का सेकेंडरी रेलवे स्टेशन और साथ ही सेकेंड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 42 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है, और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का स्टॉप है। वैसे जो खाना था हमने भाई, एक थाली मंगाई थी, आई वेज थाली, लेकिन टेस्ट सही था। वैसे हम इसकी कंप्लेंट करने वाले थे कि भाई गलत थाली हमको डिलीवर की गई, लेकिन फिर हमने सोचा यार बढ़िया खाना था, ऐसी कोई दिक्कत तो थी, टेस्ट भी एकदम जबरदस्त था, तो फिर हमने कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन जिस जगह से हमने मंगाया था ना, यहाँ पर देखो हम एक वो लगा देंगे, तो यहाँ से आप मंगा सकते हो, सही था टेस्ट इस रेस्टोरेंट का, हमें तो भाई बढ़िया लगा। अभी इस रेलवे स्टेशन में हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टॉल वगैरह है ना, यहाँ पर बेचा जा रहा है लोकल पानी, ये स्टॉल है, इनसे बोला हमने सही पानी देने के लिए, इनके पास है ये पानी की बॉटल, लोकल पानी की बोतल बेच रहे 20 रुपए का। रेलवे अप्रूव पानी या रेल नीर इनके पास नहीं है, और जब बोला कि सही दो, लेकिन नहीं, कह रहे यही है। तो इन स्टॉल वाले का क्या हुआ भाई, बोलते हैं क्या है क्या नहीं, हमने वीडियो बनाया, फोटो वगैरह ली, तो कह रहे हैं आप लोगों को तो हमें और सपोर्ट करना चाहिए, हमने काय में सपोर्ट करना चाहिए, लोकल पानी ओवर चार्ज करके बेच रहे हो, इसमें सपोर्ट करें, गलत चीज़ में आपके सपोर्ट करें, कह रहे आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, यही बात बोल रहे बार हमने भाई सब, वाह निकाय को करेंगे इस चीज़ में किसी का भी सपोर्ट, जबकि हम लोग खुद इस चीज़ के अगेंस्ट है भाई, कि जो चीज़ है सही तरीके से बेची जाए, लेकिन ना ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं, इनका भी हमने रेल मदद पोर्टल पे जाके स्टेशन में सारी डिटेल्स भर के स्टेशन वाले सेक्शन में इनकी भी कंप्लेन एक रेस कर दी है, कोई टेंशन नहीं। बाकी हो गया यहाँ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर, ये AR फूड्स करके ही है, स्टॉल नंबर वगैरह सारी चीज़ें हमने उसमें डाल दी हैं, फ़ोटो भी डाल दी है जो, जी 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 बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा सा एक्शन लीजिए सर जी, क्योंकि अब हमको पानी वगैरह लेना था लेकिन नहीं ले पाए। हेलो भैया, इस ट्रेन में साइड पेंट्री है जैसे कि हमने बताया था, और इस ट्रेन में ये लोकल पानी बेच रहे हैं 20 रुपए का, श्री संस्कार ड्रिंकिंग वाटर करके 20 रुपए MRP डला है। इनका कहना ये है कि साइड पेंट्री में यही मिलता है, सब ट्रेनों में यही मिलता है, ये ऐसे बोलना है जैसे हमको नियम नहीं पता या इनको नियम नहीं पता है। बोलिए आप मैनेजर को, बोलिए अपने, दो सौ 44 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से यह आ चुके हैं हम लोग पेंद्रा रोड रेलवे स्टेशन, जो कि छत्तीसगढ़ के पेंद्रा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, 50 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है, अपनी ट्रेन का मात्र
दो मिनट का हॉल्ट है, और वो जो रेलवे स्टेशन था ना भाई, वहाँ पर जो स्टॉल थी उसकी कंप्लेन हमने कर दी थी। उसका कॉल वगैरह आया हमारे पास, ठीक है, वो बोल रहे थे ठीक है हम अपनी तरफ से भेजते हैं इंस्पेक्टर वगैरह और कंप्लेन को वो करते हैं। लेकिन उसके बाद भाई साहब अपनी ट्रेन की जो साइड पेंट्री है वो भाई साहब लोकल पानी बेच रहे हैं 20 रुपये का, तो उनकी भी कंप्लेन अभी रेस कर दी है भाई। देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है इनकी कंप्लेन पे। तो इस रेलवे स्टेशन पे बीच के साइड जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर बस इतने में अच्छी लाइट नहीं है, उसके आसपास दोनों साइड लाइटिंग वगैरह उतनी ठीक नहीं है, पीछे की साइड भी नहीं थी और यहाँ भी काफ़ी कम ही लाइट्स हैं। तो भाई साहब अभी रात का 11:30 बज गया है, जो हम लोगों ने कंप्लेन की थी उसके ऊपर कोई रिवर्ट नहीं है, कोई कॉल नहीं आया, किसी का कुछ भी एक्शन नहीं, और वो जो साइड पेंट्री के वेंडर्स वगैरह थे ना, वो साइड पेंट्री थे क्या थे वैसे, साइड पेंट्री ही लग रही थी। पेंड्रा रोड पे अभी जो लास्ट स्टॉप किया ना, वहाँ पर वो सब उतर गए बस अपना पैकअप पैकअप करके, हमारी कंप्लेन धरी की धरी रह गई, कोई एक्शन नहीं कुछ नहीं। वाह भाई वाह, अलग ही हिसाब किताब, मतलब पैसेंजर कंप्लेन कर रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं, ठीक है, और जो भी स्कैम वगैरह कर रहा है मस्त अपना स्कैम किया उसने, बेचा खाना वाना भी शायद 150 रुपये का वो मस्त खाना बेच रहा था महंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट डबल प्राइस में पानी लोकल 20 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बेचा, स्कैम किया चला गया, कंप्लेन करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर जो गैंगवे होता है ना, जो रास्ता होता है दो कोचेस के बीच में जो जोड़ होता है, जो कपलिंग होती है, वहीं पर ऐसी चेन रहती है, गेट रहता है, यहाँ पर कोई अपना चश्मा रख गया, और चश्मा रखने का स्टाइल देखो बड़ा गजब भाई साहब, पता नहीं कौन ही है जो इस तरीके से अपना चश्मा रख के चला गया है, अलग ही लोग है भाई, इसको टांग देते तो और बढ़िया रहता, लेकिन इस तरीके से रखा है जैसे शोकेस में रखा हो एकदम। चिरिमिरी अनूपपुर एक्सप्रेस है भाई ये, दोनों का पैरेलल राइवल हुआ है अनूपपुर जंक्शन पे। जर्नी के लगभग 300 किलोमीटर कवर करने के बाद ये आ चुके हैं हम लोग अनूपपुर जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 72 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 3 ही मिनट का स्टॉप है। तो भाई रात का 12:15 बज चुका है, तो ये जो ट्रेन है जो भी पैरेलल अराइव हुई है हम लोगों के साथ, ये है चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस, चिरमिरी अनूपपुर नहीं, ये चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस है, अभी आ रही है चिरमिरी से, अभी जाएगी ये बिलासपुर के लिए। हमको लगता है यहाँ पर इस ट्रेन का लोको रिवर्सल भी होगा, तो भाई जैसा हमें लग रहा था इसका लोको रिवर्सल होगा, तो हाँ यहाँ पर इसका लोकोमोटिव डिटैच कर दिया है अपना इल्लू भाई WAP-7। लेकिन इल्लू भाई को हुआ क्या है इसकी जांच करनी पड़ेगी, अपना इल्लू भाई वाइट से ब्लैक कैसे हो गया। वही हम बताते हैं अपने इल्लू भाई के साथ क्या हुआ, वाइट से ब्लैक कैसे हुआ। आपने देखा होगा कई सारे लोकोमोटिव्स और ट्रेन की कोचेस वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट होती है, तो पूरा एक वो विनाइल कोटिंग होती है वो लगाई जाती है, ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट हो गई, विनाइल कोटिंग लग गई, बढ़िया है, ठीक है। जब वो निकाली गई ना, उसके बाद वो गम वगैरह रह जाती है, वो जो गम होती है वो मिट्टी वगैरह को पकड़ती है, और उसी वजह से वो वैसी हो गया पूरा सरफेस उस लोकोमोटिव का, अपने इल्लू भाई का, इसलिए वो वाइट से ब्लैक हो गया। बाकी अगर किसी और को लगता है कि और कोई वजह है तो कमेंट बताना, देखते हैं भाई क्या राइट आंसर हो सकता है। बाकी चलो अभी रात का 12:30 बज गया है, सब पैसेंजर सो गए, अपन भी सोते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा सुबह, गुड नाइट।
अपने निर्धारित समय से 35 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ पर अपनी अमरकंटक एक्सप्रेस का होता है लोको रिवर्सल। अब फटाफट पीछे की साइड तो जा रहे हैं, देखो भाई कवर हो पाता कि नहीं। लोकोमोटिव तो आ गया अपना इल्लू YWAP7, दूर से ही दिख गया। जो लोकोमोटिव लग के आया वो वहीं पीछे ही डिटैच हो जाएगा और नया लोकोमोटिव यहाँ से लग के जाएगी ट्रेन भोपाल के लिए। तो भाई एकदम सही टाइम पे हम पहुँच गए यहाँ पर कपलिंग के लिए। ये रही अपनी अमरकंटक एक्सप्रेस और ये आ गया अपना इल्लू YWAP7 लोकोमोटिव। अब इसमें कपल किया जाएगा। तो ये लो भाई अपनी लोगों की कपलिंग हो गई सक्सेसफुल यहाँ पर। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल ही जाएंगे और साथ में यहाँ पे मिल्क पार्लर वगैरह भी है और आगे ऑमलेट वगैरह इडली ये सारी चीजें भी मिल रही है ब्रेकफास्ट में। तो आप ब्रेकफास्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। अभी भी अपनी ट्रेन रुकी हुई है तो हमने सोचा चलो गर्मा गर्म यहाँ पर ऑमलेट बनवा लेते हैं। वैसे सिंगल अंडे वाला 30 रुपए का था, हमने डबल वाला बनवाया 60 रुपए का और दो अंडे का एकदम फ्रेश ऑमलेट यहाँ पर बन गया। साथ ही पानी की बोतल भी ले लिए, कल रात में देखा भाई पानी के लिए तो बड़ा दिक्कत हुई कल। हाँ चलो यहाँ पर रेल लाइन मिल गई 15 मिनट। अपनी ट्रेन लगभग आधे घंटे से खड़ी हुई है इटारसी जंक्शन पे और अपने बाद आई थी ये जबलपुर रानी कमलापति जन शताब्दी, बट इसको अपन से पहले ही सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। तो लगभग 50 मिनट रुकने के बाद अब हुआ है भाई साहब अपनी ट्रेन का डिपार्चर इटारसी जंक्शन से। अभी हम लोगों की ट्रेन ने क्रॉस करी नर्मदा रिवर और नर्मदा रिवर क्रॉस करने के बाद हम लोग एंटर कर जाते हैं बुधनी घाट के सेक्शन में। भाई बहुत ही जबरदस्त घाट सेक्शन है, यहाँ पर बहुत सारे कर्व हैं, बहुत शानदार बहुत शार्प कर्व है और साथ ही में काफी सारी टनल्स पड़ती हैं। चलो भाई बुधनी घाट सेक्शन को दिखाया जाए आपको, मजा आने वाला है। तो भाई साहब अब अपना बुधनी घाट वाला सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। ये देखो ट्रेन ने कर्व लेना स्टार्ट कर दिया है। ये जो पहाड़ है इन पहाड़ों के ऊपर जो है अपनी ट्रेन चढ़ेगी आगे पूरा कर्व और टनल से होती हुई। ये लो बहुत शानदार कर्व है भाई साहब, एकदम शार्प कर्व। और भाई साहब सामने वो जो लाइन है ना वहां से अभी हम लोग आए, फिर आगे गए कर्व लिया और ऊपर की साइड आ गए हैं। इसी तरह पहुंचने वाले हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन। और भाई साहब वॉशरूम के आसपास कंडीशन देख लो, एकदम पानी भरा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये वाले कोच में देखेंगे भाई यहाँ तो पूरा पानी भरा हुआ है, ये देखो यहाँ तो नहर बन गया पूरा। बाकी वॉशरूम के अंदर भी भाई साहब साफ सफाई ढंग की नहीं है, पूरा स्मेल वगैरह आ रही है काफी ज्यादा। तो वॉशरूम की मेंटेनेंस तो एकदम बेकार है भाई इस ट्रेन की, हर एसी की भी।
अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 28 मिनट की देरी से फाइनली आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल में ही पड़ता है, भोपाल जंक्शन से मात्र 6 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। और अपनी ट्रेन तो जाती है भाई भोपाल जंक्शन तक, और इस ट्रेन में हम लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक ही ट्रैवल कर रहे थे। आगे इस ट्रेन की भाई साफ सफाई मेंटेनेंस उतनी सही नहीं है, पंचुअल भी ट्रेन रही नहीं उतनी, तो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई दी है, खाने पीने का और जो पेंट्री साइड पेंट्री का स्कैम था वो सारी चीज़ें, ठीक है। और बाकी आप स्टेशन वगैरह के आप लोग पूछते हो कि स्टॉल्स की कंप्लेंट कैसे करते हैं, तो वो भी रेल मदद पर ही होती है, रेल मदद पे एक स्टेशन वाला सेक्शन होता है उसमें जाके हो जाती है। बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो वीडियो देखने के बाद, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम पर नहीं आए तो यहाँ पर यूज़र आईडी आ रहा है, इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ, वहीं फॉलो कर लो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी को ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।